नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि इरफान पठान ने सुरेश रैना के अनसोल्ड रहने पे क्या कहा, आपको इसके पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आपको बता दें कि IPL 2022 मेगा ऑक्शन के कारण पिछले कुछ दिनों से क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञ काफी व्यस्त नजर आ रहे थे। इस ऑक्शन में कई खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आए और जहां कुछ खिलाड़ी को उम्मीद से कहीं अधिक कीमत मिली तो वहीं कुछ दिग्गज खिलाड़ी को एक भी बोली नहीं मिली, वो बिना बिके रह गए। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना भी इसी श्रेणी में आते हैं जिन्हें ऑक्शन में किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। मिस्टर IPL के रूप में प्रसिद्ध रैना टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे अधिक रन बनाने वालों में से हैं। वह एक शानदार फील्डर होने के साथ साथ एक पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर भी हैं। वास्तव में उन्होंने CSK की 4 खिताबी जीत में से 3 में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। हालांकि 2021 में एक खराब सीजन के कारण इस मेगा ऑक्शन में किसी भी फ्रेंचाइजी ने उनमें रुचि नहीं दिखाई। बता दें कि CSK ने दीपक चाहर, ट्वेन ब्रावो, रॉबिन उथप्पा और अंबाती रायडू सहित अपने कई पूर्व खिलाड़ियों को ऑक्शन में अच्छी रकम देकर टीम में शामिल किया, लेकिन उन्होंने रैना के लिए बोली नहीं लगाई। ऐसे में मेगा ऑक्शन में रैना को अनसोल्ड देखने के बाद कई फैंस और एक्सपर्ट हैरान रह गए। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान भी रैना को अनसोल्ड देखकर हैरान थे। इस मुद्दे को लेकर पठान ने कहा कि कई विदेशी खिलाड़ी अपने 40 के दशक में भी IPL खेलते हैं, इसलिए रैना जो 35 वर्ष के हैं उनको प्रतियोगिता का हिस्सा होना ही चाहिए। 14 फरवरी को इरफान पठान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे भी लगता है कि रैना को आगे बढ़ाया जा सकता था। हमने कुछ विदेशी खिलाड़ी देखे हैं जो 40 की उम्र में भी IPL खेल चुके हैं, रैना तो सिर्फ 35 साल के हैं। एक खराब सीजन, #MrIPL। दोस्तों आपको बता दें कि अगस्त 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले रैना ने पिछले कुछ वर्षों से नियमित रूप से क्रिकेट नहीं खेला है। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए IPL 2020 को मिस कर दिया था और 2021 संस्करण में खराब फॉर्म की वजह से टीम से बाहर हो गए थे। पिछले सीजन में 12 मैचों में रैना ने 17.77 के निराशाजनक औसत से सिर्फ 160 रन बनाए थे। दोस्तों क्या आप भी यही चाहते थे कि सुरेश रैना वापस CSK की टीम से खेले? इसका जवाब आप हमें कमेंट कर जरूर बताएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जल्दी से आप तक पहुंच जाए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।